जिंदाबाद प्रीति लम्बा जिंदाबाद 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 प्रीति लम्बा जिंदाबाद जिंदाबाद। खून उत्तेजित कर रहे थे एक बार, मेरे साथ भी आप प्रीति लम्बा। चीन में आयोजित 19वें एशियाई गेम 2023 में आयोजित 300 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी प्रीति लम्बा की कल देर शाम प्रिथला विधानसभा पहुंचने पर गांव जवा में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आसपास के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर विजय यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माला पहनाकर की गई। रात भर गांव में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जश्न मनाया गया और गांव की महिलाओं ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही गांव की बेटी और उनके परिजनों को बधाई दी। आपको बता दें, प्रीति लम्बा बचपन से ही दौड़ लगाती थी और वह लड़कों के साथ भागती थी और उन्हें पछाड़ देती थी। शादी के बाद प्रीति के पति ने उनके सपनों को साकार करने के लिए अपना योगदान दिया, जिसके चलते प्रीति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाई। खिलाड़ी प्रीति लम्बा ने बातचीत करते हुए बताया कि इस कामयाबी तक पहुंचने में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में उन्होंने जूनियर वर्ग में गेम की शुरुआत करते हुए नेशनल गेम में मेडल हासिल किया था, जिसके बाद वह धीरे धीरे सीनियर गेम तक पहुंची। वहीं खिलाड़ी प्रीति लम्बा के पति ने बताया कि जब शादी हुई तो वह नहीं चाहते थे कि खेल के प्रति प्रीति के सपने दम तोड़ जाएं। उन्होंने प्रीति को साफ कहा कि वह जब तक और जहां तक खेलना चाहे वह खेल सकती है। और क्या कहा खिलाड़ी प्रीति लम्बा और उनके पति, साथ ही गांव वालों ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। सर, मैंने ना 3000 मीटर स्टीपल चेस में कांस्य पदक जीता है एशियन गेम्स में। क्या कुछ स्ट्रगल इस जीत के पीछे आपका रहा? मेरी तो सर बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है जिंदगी में, क्योंकि मैंने 2009 में गेम स्टार्ट किया था। उसके बाद पहले नेशनल मेडल आया जूनियर में, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग में मेरा स्कूल DRM मेमोरियल पब्लिक स्कूल है जो इधर ही देवीलाल, ये उनके प्रिंसिपल हैं और अभी सरपंच हैं, तो उधर से मेरी शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग में। और उसके बाद धीरे 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 मैंने मतलब नेशनल, पहले जूनियर, फिर सीनियर, फिर जूनियर में रिकॉर्ड, इस तरह धीरे 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 मैंने किया। लेकिन सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी का जो सबसे मैं खराब वक्त भी बोल सकती हूँ और अच्छा वक्त भी बोल सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे 2017 में मेरा पैर टूट गया था। उस टाइम मैंने एशियन गेम क्वालिफाई कर मतलब बहुत ये लगा लो हो ही रखा था, क्योंकि जो टाइमिंग मैं दे रही थी उतना उससे ज़्यादा बेटर था वो, मतलब कितना था 950 क्वालिफाई था, मैं 935-940 दे रही थी उस टाइम पे। उससे पहले मेरा फ्रैक्चर हो गया तो मैं बहुत डिप्रेशन में चले गई। मैं बता नहीं सकती कि एक खिलाड़ी जब इतनी मेहनत करता है, मैंने कितने 10 साल उस चीज़ का वेट किया और मेरे को लास्ट टाइम में ये मिला, तो मैंने सोचा शायद टाइम ख़राब है, पता नहीं क्या है। मैं अपने गाँव आई, मैंने गाँव में मतलब सोचा कि नहीं मुझे करना है, फिर सोचा नहीं करना, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। देखो हर गाँव में ना बहुत कई तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं ख़राब भी होते हैं, पॉजिटिव भी बोलने वाले बहुत मिलेंगे, नेगेटिव वाले बहुत मिलेंगे। तब मैं इंजरी में थी तो कुछ लोग घर आके बोलते थे कि शादी कर दो, कुछ लोग आके बोलते थे कि बेटा तुम कर सकती हो। तो उससे मुझे मतलब ये सोचा कि मैंने नेगेटिव वालों को इतना माइंड नहीं किया, लेकिन पॉजिटिव में सोचा। ये दौड़ रही है और कितने समय में आपने इसको? सर 3000 मीटर स्टीपल चेस है, 943 मैंने किया है अभी। तो देखो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने अभी पहले 2500 करोड़ रुपए का जो मतलब खिलाड़ियों का वो था कोटा था, अभी उन्होंने 3000 करोड़ कर दिया है। तो इससे क्या है, हमारी फैसिलिटियाँ और बढ़ेंगी, हमें और सुविधाएं मिलेंगी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों को बहुत बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, क्योंकि पहले भी सरकारें थी, पहले भी मतलब स्पोर्ट्स था, लेकिन इतना अचीव नहीं था। आज मुझे लगता है कि शायद सोशल मीडिया के कारण, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया हो चुका है, और शायद हमें फैसिलिटी इतनी ज़्यादा मिल रही है, इसलिए अभी हमारे मेडल दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। नौजवानों को खेल के प्रति आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही बोलूँगी, देखो आप ना ज़्यादा नहीं, एक या दो साल या तीन साल ना कड़ी मेहनत कर लो, आपको उस चीज़ का फल पूरी ज़िंदगी मिलेगा। भाई साहब बोलिए, कांस्य पदक जीता है, आगे का लक्ष्य क्या है? अभी तो सर नेक्स्ट ईयर ओलंपिक है, अभी मेरा मेन टारगेट वो है, और अगली बार जो एशियन गेम होंगे, अभी एक कांस्य है, थोड़ा मेरे को इंजरी हुई थी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आपकी बार ये गोल्ड होगा। मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा, स्टार्टिंग से जब शादी हुई थी तो मेरे को ये नहीं था कि कल इसको लगे कि मेरे सारे सपने मारे गए शादी के बाद में,
मैंने अपना गेम छोड़ के मैंने इसको आगे किया कि तुमको जहाँ तक खेलना है जहाँ तक जाना है गेम करो और अपने जहाँ तक खेल सकते हो वहाँ तक के लिए आप खेल गेम खेलते थे। किस गेम को आप खेलते? मेरा भी सेम इवेंट था 3000 मीटर स्टीपल चेस ही मैं करता था। बहुत बड़ी कामयाबी है मुझे, जैसे कहते हैं ना कूद के पाम पालने में ही आ जाते हैं, उसी तरह जब ये छोटी थी तो लड़कों के साथ मैं इसे दौड़ाता था, लड़कों से भी तेज़ दौड़ती थी, बड़ा गर्व होता था। उसी समय पता लग गया था कि ये ज़रूर देश के लिए देश की धरोहर है। आज इन्होंने कर दिखाया है, गांव का नाम रोशन किया है और देश का नाम भी रोशन किया है। मुझे बड़ी उम्मीद है आगे ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगी, ये 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये मेहनती बहुत है और जो एक बार कह देती है वो जिद्दी भी बहुत है। उसे मेरी छोटी बहन भी है, मौसी की लड़की है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ओलंपिक में गोल्ड लाएगी। जगबीर जी, प्रीति लांबा के पिताजी हैं आप, पर एक पिता के लिए बड़ी फख्र की बात होती है जब बच्चा कामयाब हो जाता है, कामयाबी को किस तरह से देखते हैं? ये काम इस तरह देखते हैं, जब एक बाप के नाम से जब औलाद जानी जाती है तो औलाद के नाम से कहने के प्रीति के पापा जा रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी दुनिया बाप के लिए। बच्चों के नाम से बाप को जाना जाए इससे बड़ी खुशी क्या होगी। कितनी मेहनत रही आपको यहाँ तक पहुँचाने में? अरे मेहनत तो सबकी है, हमारी क्या गुरु की है, मास्टरों की है, माँ बाप की है, इसकी खुद की अपनी ज़्यादा है, इसको लगानी इतनी होती है हर बात में। बरसात हो जब विंड चटर बैठती थी सुकुल ब्राह्मण प्रैक्टिस करती, ये कोई प्रैक्टिस नहीं करती है, सबसे ज़्यादा इस चीज़ की अपनी लगन है, बाकी परिवार का भी हाथ रहा है, बस्ती का भी हाथ रहा है। आगे क्या मैडम देखना चाहते हो? सभी ये बताओ, कोई कलर चेंज करना चाहता है क्या गोल्ड का? सभी तमन्ना गोल्ड की होती है, अगली बार ये गोल्ड होगा। जी बेटी काश्यप अगदक जीत कर आई है, बड़ा गर्व का विषय है, क्या कहेंगे आप? हमारे जवा गांव की बेटी और मेरी छोटी बहन प्रीति लांबा, इसने पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र का नाम पूरे भारत में किया है, उस पर हमें गर्व है। और ख़ासकर जवा गांव की इस धरती पे एक ऐसी शेरनी ने जन्म लिया जो पैर में फ्रैक्चर आने के बाद भी हमारे गांव जवा का नाम किया, हमारे पूरे भारत का नाम किया। उसको प्रीति लांबा अपनी बहन को मैं बधाई देता हूँ और आगे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये ओलंपिक में पदक लाए और सारा गांव पूरा एरिया अपनी बहन के हम साथ हैं।